जी नमस्कार, आप फिर से आपका स्वागत है। मैं तिवारी, मैं आपको आज इस वीडियो में एरर कोड के बारे में बताने वाला हूं। कैनन के कुछ सेपरेट एरर कोड्स जिनके कारण प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, कुछ एरर कोड्स के डिटेल तो मैंने ऑलरेडी पीछे दे दिया है, अब नेक्स्ट आगे के डिटेल के बारे में बात करूंगा मैं। हम इस समय बात करने वाले हैं एरर कोड 10 नंबर। 10 नंबर का एरर कोड किस कारण आता है और कैसे आता है? अगर हम सिस्टमैटिकली तरीके से देखें तो 10 नंबर का जो एरर कोड रहता है उसमें बात होती है कि 10 नंबर के कारण जो मेन मोटर होता है, जो मेन गियर यूनिट के साथ लगा होता है मेन मोटर, उसका प्रॉब्लम होता है। अगर हम सिक्वेंसी, अगर हम कंपनी के डॉक्यूमेंट के हिसाब से बात करें तो उसमें बोलता है आफ्टर द मेन मोटर ड्राइवर सिग्नल इज जनरेटेड द क्लॉक सिग्नल डज नॉट अराइव विद इन 1.3 सेकेंड। दैट्स मीन ये वो कंडीशन पेश कर रहा है कि आपका मोटर घूम तो रहा है बट 1.3 सेकेंड में वो रोटेशन नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, तो उसके कारण ये एरर कोड शो होता है। बट दैट्स वन कंडीशन। अगर आपका मोटर भी नहीं चलता तो भी 10 नंबर का एरर कोड आता है। वो फुल रोटेशन, क्लियर रोटेशन नहीं ले पाता तो भी एरर कोड आता है। अगर आपका मोटर चालू है बट आपके मेन गियर यूनिट में कोई गियर टूट के अटक गया है, फंस गया है, तो भी ये यूनिट का, इस मोटर का इशू आता है। सेकंड थिंग, इस मोटर को प्रोसीड करने के लिए जो वायर्स लगे रहते हैं, पावर देने के लिए जो वायर लगा रहता है, अगर उसमें से एक भी वायर फॉल्ट रहता है या डिसकनेक्टेड रहता है या लूज रहता है तो भी 10 नंबर का एरर कोड आता है। तो जब भी आपको 10 नंबर का एरर कोड आए तो आप सबसे पहले तो मोटर चेक कर लीजिए, उसके कनेक्टर निकालिए और वापस से उसे लगा दीजिए। इससे काम नहीं बनता तो आपके पास कनेक्टिविटी हो, मल्टीमीटर हो, उससे मोटर तक के कनेक्टर तक आने वाले वायर को और डीसी बोर्ड तक के जैक से लगे हुए वायर को कनेक्ट करके चेक कर ले, क्योंकि मशीन के सारे मोटर्स को, सेंसर्स को और अदर फंडामेंटल जितनी भी चीजें हैं, पूरी मशीन को पावर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको कनेक्शन डीसी बोर्ड से मिलता है। एक्चुअल में डीसी का मतलब ही, उसको डीसी बोर्ड इसलिए दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट या डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट, जो लोगों को पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। ओके, इसलिए उसको डीसी बोर्ड कहते हैं। एचवीटी बोर्ड भी सेम, उसके किसी भी बोर्ड का नाम उससे रिलेटेड डेटाबेस से ही रहता है, चाहे वो कंप्यूटर बोर्ड बोलो, फेरी बोर्ड बोलो, पावर सप्लाई बोलो, वो जिस काम में माहिर हैं उनको उसी नाम से बुलाया जाता है। हाँ, ये अलग बात है उनके सारे नाम इंग्लिश में ही रखे गए हैं। ओके, तो हम आ जाते हैं टॉपिक पे, 10 नंबर का एरर कोड। 10 नंबर का एरर कोड जो मेन मोटर होता है, मेन गियर यूनिट को घुमाने के लिए, उसका मूविंग नहीं होता, वो काम, दैट्स मीन वो अपना जो उसका काम है वो नहीं करता, तो 10 नंबर का एरर कोड। इट कंडीशन में सबसे पहले तो मोटर इशू हुआ, सेकंड कंडीशन उससे रिलेटेड वायर हुआ, कहीं ना कहीं ये गियर्स कभी हार्डली टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो भी मोटर घूम नहीं पाता, क्योंकि हर मोटर को एक पावर लिमिटेशन है। अगर पावर, उनको पावर लिमिटेशंस में नहीं रखा जाएगा तो वो हर चीज को तोड़ देंगे, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो तोड़ सकते हैं। मान लीजिए गियर ब्रेक होके टूट के वहां अटक गया है, वो ओवर प्रेशर देगा तो उससे रिलेटेड और सारे यूनिट्स टूट सकते हैं। तो इसलिए हर चीज को एक लिमिटेशन में रखा गया है कि वो खराब ना करे, अगर वो खराब भी हो जाते हैं तो ठीक है। एंड दैट्स मीन अगर आप खराब हो गए, आप गंदे हो गए हो, तो आप किसी और को भी गंदा ना करो, इसके लिए आपके अंदर लिमिटेशंस होनी चाहिए। ये विशेषता तो एक मशीन की एक यूनिट भी बता देती है, और साथ ही मशीनें बहुत स्पेशल होती हैं, वो अपनी कमियों को डायरेक्टली प्रेजेंट कर देती हैं, जिसे कहते हैं एरर कोड। अगर उनमें कुछ खामियां हैं तो वो डायरेक्टली एरर कोड के साथ थ्रू हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं, तो वैसे हमें भी कुछ चीज़ों का ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए, जिसे हम ना संभाल सके उसे लोगों के सामने रख देना चाहिए, शायद से कोई ना कोई सही उपाय रखेगा। एग्जैक्टली जैसे मैकेनिक करते हैं, अगर उनसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो दूसरे मैकेनिक उसे शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं। इसलिए कभी भी
मैकेनिज्म के लिए, मशीनों के लिए एकदम फ्रैंक रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को शेयर करो, लोगों को बताओ। आपको कुछ एडवांस तरीके के एरर कोड्स मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एरर कोड हैं जो आते तो हैं बट उनका एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं रहता, होता है छोटा मोटा पॉइंट बट फिर भी वो शो होता है। तो आई थिंक मुझे समझ में आता है कि आप 10 नंबर का एरर कोड आया तो आपको समझ में आएगा कि क्या रीजन है। ओके, तो बी केयरफुल अबाउट योर मशीन एंड टेक केयर योर मशीन। अपना ख्याल रखें, अपने मशीन का भी। ओके, धन्यवाद।